नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लीग स्टेज के सभी 45 मैचेस खेले जा चुके हैं और लीग स्टेज के खत्म हो जाने के बाद चार टीमें ऐसी मिल चुकी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है। तो ऐसे में आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल और फाइनल मैच का नया शेड्यूल और कार्यक्रम ऑफिशियल तौर पर यानी कि आधिकारिक तौर पर अनाउंस भी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल और फाइनल मैच का नया शेड्यूल और कार्यक्रम बताने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चार टीमों ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि ये सेमीफाइनल मैचेस किन टीमों के बीच किस तारीख को भारतीय समय अनुसार कितनी बजे से स्टार्ट होंगे, इसके अलावा सेमीफाइनल और फाइनल मैच कौन से वेन्यू पर खेला जाएगा, जबकि आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल और फाइनल मैच के लिए कौन से नए रूल्स लागू किए हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और वर्ल्ड कप 2023 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल और फाइनल मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन चार टीम्स के बारे में जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है। तो पहली टीम है इंडिया, दूसरी टीम है साउथ अफ्रीका, तीसरी टीम है ऑस्ट्रेलिया, जबकि चौथी टीम है न्यूजीलैंड, जहां इंडिया ने 9 में से अपने 9 मुकाबले जीतकर 18 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल को नंबर एक पर फिनिश किया था, जबकि साउथ अफ्रीका ने 9 में से 7 मुकाबले जीतकर 14 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल को नंबर दो पर फिनिश किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 9 में से 7 मुकाबले जीतकर 14 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल को नंबर 3 पर फिनिश किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट साउथ अफ्रीका से थोड़ा कम था, जबकि न्यूजीलैंड ने 9 में से 5 मुकाबले जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल को नंबर 4 पर फिनिश किया था। इसके अलावा जो 6 टीमें वर्ल्ड कप 2023 से एलिमिनेट हो चुकी हैं, उसमें से पहली टीम है पाकिस्तान, दूसरी टीम है अफगानिस्तान, तीसरी टीम है इंग्लैंड, चौथी टीम है बांग्लादेश, पांचवी टीम है श्रीलंका और छठी टीम है नेदरलैंड्स। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल और फाइनल मैच के कंप्लीट शेड्यूल और कार्यक्रम के बारे में। तो वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा 15 नवंबर को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, यानी कि पॉइंट्स टेबल पे मौजूद नंबर एक और नंबर चार टीम्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 2 बजे से यानी कि 2 PM से, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा 16 नवंबर को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, यानी कि पॉइंट्स टेबल पे मौजूद नंबर 2 और नंबर 3 टीम्स के बीच में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 2 बजे से यानी कि 2 PM से। इसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल महामुकाबला खेला जाएगा 19 नवंबर को विनर ऑफ सेमीफाइनल 1 वर्सेस विनर ऑफ सेमीफाइनल 2 के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 2 बजे से यानी कि 2 PM से। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल और फाइनल मैच के नए रूल्स और नियम के बारे में। तो आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे भी रखा है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा 15 नवंबर को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, लेकिन अगर ये पहला सेमीफाइनल मैच बारिश की वजह से या फिर किसी और वजह से 15 नवंबर को नहीं हो पाता है तो फिर ये मैच अगले दिन यानी कि रिजर्व डे में खेला जाएगा 16 नवंबर को। उसी प्रकार से दूसरा सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच अगर 16 नवंबर को बारिश की वजह से या फिर किसी और वजह से नहीं हो पाता है तो फिर ये दूसरा सेमीफाइनल मैच अगले दिन यानी कि रिजर्व डे में खेला जाएगा 17 नवंबर को। और उसी तरीके से आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच अगर 19 नवंबर को बारिश की वजह से या फिर किसी और वजह से नहीं हो पाता है तो फिर ये मैच अगले दिन यानी कि रिजर्व डे में खेला जाएगा 20 नवंबर को। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के सभी 45 लीग स्टेज मुकाबलों के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा था, लेकिन इन सभी नॉकआउट मैचेस के लिए एक रिजर्व डे रखा है।
इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि अगर वर्ल्ड कप 2023 के दो सेमीफाइनल और फाइनल मैच बारिश की वजह से या फिर बैड लाइटिंग की वजह से रुक जाते हैं तो फिर उस मैच को उसी दिन कंप्लीट कराने के लिए 120 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलेंगे, जहां इससे पहले लीग स्टेज के सभी मैचेस में सिर्फ 60 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते थे। इसके अलावा आप सभी के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि अगर दोनों सेमीफाइनल मैचेस रिजर्व डे के दिन भी नहीं हो पाते हैं तो फिर उस केस में कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 और नंबर 4 टीम के बीच में, यानी कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो अगर पहला सेमीफाइनल मैच रिजर्व डे के दिन भी नहीं हो पाता है तो उस केस में इंडियन टीम डायरेक्टली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम यहीं से बाहर हो जाएगी, क्योंकि इंडियन टीम टेबल टॉपर्स थी। तो टेबल टॉप करने से इंडियन टीम को इस मुकाबले में फायदा मिलेगा। और ऐसे ही दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 और नंबर 3 टीम के बीच में, यानी कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो अगर दूसरा सेमीफाइनल मैच भी रिजर्व डे के दिन भी नहीं हो पाता है तो उस केस में साउथ अफ्रीका की टीम डायरेक्टली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहीं से बाहर हो जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया से ऊपर थी। सो फ्रेंड्स, ये रहा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल और फाइनल मैच का कंप्लीट शेड्यूल नए रूल्स के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी दो टीम्स वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुँचेंगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।